नमस्कार, पूछता है उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुभाष कौर। आज पूछेगा उत्तराखंड कि क्या बीजेपी में सब ठीक है, यानी कि विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से बगावत के सुर तेज हुए थे, क्या फिर एक बार दोबारा से तेज होना शुरू हो गए हैं? क्योंकि जिस तरीके से कल महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद आनंद गिरी जी ने एक लेटर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिखा है, उससे तो ये साफ लगने लगा है कि जो बगावती सुर थे या फिर जो भीतरी घात कहा जा रहा था बीजेपी में सबसे ज़्यादा इस विधानसभा चुनाव में होगा, वो कहीं ना कहीं इस लेटर बम के जरिए नज़र भी आया। क्योंकि उस पत्र में उन्होंने लिखा कि जो संगठन की भूमिका होनी चाहिए थी चुनाव को लेकर, वो नज़र नहीं आई और इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। तो ये माना जा सकता है कि जिस तरीके से विधायक लगातार ये बात कहते हुए नजर आए और मतदान के बाद से ही वो खुले मन से कहते रहे कि भीतरी घात उनकी विधानसभा क्षेत्रों में हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं अब बगावती सुर में भी नजर आ रहा है। जरा एक बार सुनते हैं कि आखिरकार इस पर बीजेपी और कांग्रेस क्या कहती है। ये धड़कता हुआ भारतीय जनता पार्टी का संगठन है जो कुछ ही सालों में आपको खंडहर होते हुए नजर आएगा, क्योंकि यहाँ कोई आम कार्यकर्ता नहीं, यहाँ विधायक प्रत्याशी शिकायत कर रहे हैं कि उनके साथ भीतरघात हुआ है और अपने ही लोगों के द्वारा हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री स्वयं कह चुके हैं कि मेरी विधानसभा में दो मंत्रियों ने मेरी जड़ों में मट्ठा डालने का काम किया है, और अब महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी जी ये बात कह रहे हैं नड्डा जी को पत्र लिखकर कि बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर भीतरघात हुआ है भारतीय जनता पार्टी के संगठन में, और प्रदेश अध्यक्ष को ज्यादातर लोग कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो या तो ये सोची समझी एक षड्यंत्र का हिस्सा है, या फिर रियल में ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो अनुशासन, शुचिता की, पारदर्शिता की बड़ी बड़ी कसीदे गढ़ती थी, आज उसको औधे मुंह गिरने की जरूरत है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, और अगर कोई भी हमारा छोटे से छोटा कार्यकर्ता या कोई भी हमारा शुभचिंतक भी अगर हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के संज्ञान में कोई विषय लाता है, तो निश्चित रूप से हमारा संगठन उसका संज्ञान लेता है और उसकी उचित जांच करके, उचित तथ्यों का पता लगा के उस पर कार्रवाई करता है। तो सुना आपने कि बीजेपी तो ये कह रही है हमारे घर में सब कुछ ऑल इज वेल है, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं कटघड़े में बीजेपी को खड़ा कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि जो बात वो लगातार कहते थे कि संगठन वाली पार्टियों के अंदर भीतर घात ज़्यादा होता है, और वो कहीं ना कहीं नज़र भी आ रहा है। आज इसी पर करेंगे चर्चा। चर्चा में हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हैं। बीजेपी से हमारे साथ हैं सुशील त्यागी जी, जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के। सुशील त्यागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस से हमारे साथ अमरजीत जी हैं। अमरजीत, आपका बहुत बहुत स्वागत। और आम आदमी पार्टी से हमारे साथ दीपक पांडे जी हैं। पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और कुछ देर में वरिष्ठ पत्रकार अवधेश नोटियाल जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन क्योंकि जो सवाल है वो बीजेपी के घर से उठ रहा है, तो सबसे पहले सुशील त्यागी जी, आपसे मेरा सवाल है, क्या सब कुछ ऑल इज वेल है परिवार में, बीजेपी के परिवार में? सुशील जी, जिस तरीके से ये कहा जा सकता है आपकी पार्टी के ही विधायक मतदान के बाद लगातार सवाल खड़े करते हुए नजर आए थे, आपके प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी घेरते हुए वो नजर आए थे, अब फिर एक बार नया लेटर बम नजर आ रहा है, और आप ही के जिले से ही वो लेटर बम राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचा है, तो क्या लगता है कि जो बातें कही जा रही थी, जो उम्मीद की जा रही थी कि भीतरघात को कम किया जाएगा, वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और खुले मन से पहले तो बयानबाजी, लेकिन अब पत्र भी राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंच गया, किस तरीके से देखते हैं? सुभाष जी, पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र है, लेकिन जिन भी लोगों ने इस तरह के विषय को पार्टी में, कहीं कुछ घटनाएं रहती हैं, लेकिन वो पार्टी के उचित प्लेटफॉर्म पर ही कहनी चाहिए। इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी 2 दिन तक लगातार
प्रदेश कार्यालय पर रहे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 170 सभी एमएलए थे हमारे, उनसे बात की है और सबको कहा कि कहीं अगर किसी को कोई किसी प्रकार की, हमारा इतना बड़ा संगठन है, दिक्कत है तो उसको उचित जगह पर कहिए। जैसा जिस तथाकथित पत्र की आप बात कर अभी जिस पर आज डिबेट है आपकी, अगर ऐसा कहीं हुआ है और महामंडलेश्वर जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को वो चिट्ठी लिखी है तो उसकी गोपनीयता को भंग करना ये भी ठीक नहीं है। आपने राष्ट्रीय नेतृत्व को किसी चीज से अवगत कराया फिर उसका प्रेस नोट अखबार में जारी कर दिया, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे प्रदेश के नेतृत्व ने यही कहा है कि भाई, और कहने के बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति कहने के बावजूद भी उसको प्रेस नोट को मीडिया में सर्कुलेट करता है तो वो ठीक नहीं है, पार्टी उसको ठीक नहीं मानती। ठीक है सर, पार्टी ठीक नहीं मानती, लेकिन आप मानते हैं कहीं ना कहीं नाराजगी बहुत ज्यादा है क्योंकि आप सबसे पहले मतदान के दिन ही संजय आपके जो लक्सर से विधायक भी हैं और प्रत्याशी भी थे उन्होंने खुले मंच उन्होंने वीडियो वायरल किया आपने जिसमें वो आपके प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप लगाते हुए नजर आए। उसके बाद आपके जो मंत्री हैं बिशन सिंह चुफाल उन्होंने भी कहा भीतर घात है। आपके यमुनोत्री से जो प्रत्याशी हैं केदार सिंह रावत उन्होंने भी ये बात रखी और ये कहा जा सकता हरबंस सिंह चीमा उन्होंने भी ये बात रखी। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं कई बार कहते हुए नजर आए आपके पूर्व विधायक हो गए हों, उसके अलावा कई ऐसे लोग हैं जो ऑफ कैमरा साफ तौर से कह रहे हैं कि बगावत हुई है भीतर घात हुआ और उसका नतीजा ये था कि इस बार जो विधानसभा चुनाव है उसमें सबसे ज्यादा बागी आपकी पार्टी से थे। सुभाष जी जितने भी नाम आपने लिए हैं 14 फरवरी के बाद जो एक बयान आया था पार्टी ने सभी लोगों का संज्ञान लिया है और ऐसा नहीं है, उसी के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमारे पार्टी के शीर्ष नेताओं ने सभी लोगों को ये हिदायत भी दी थी कि कहीं कोई दिक्कत है तो उसको पार्टी के प्लेटफॉर्म पर रखिए और जो लोग इस तरह का कहने के बावजूद भी अगर कहीं इस तरह की बात करते हैं तो वो अनुशासनहीनता है, वो कोई भी और कितना भी बड़ा पदाधिकारी। बिल्कुल सुशील त्यागी जी, अनुशासनहीनता है लेकिन किसी को नोटिस नहीं दिया गया। खैर अमरजीत जी, सुशील जी कह रहे हैं उनके घर में सब कुछ ऑल इज वेल है और आपके कई नेता बयान दे रहे हैं कि उनके घर में ऑल इज वेल नहीं बल्कि खतरे की घंटी लटक रही है, 10 मार्च को आपको सबके सामने नजर आ जाएगा कि कितनी बड़ी भीतरघात बीजेपी में हुआ है। अनम्यूट कर लीजिए अमरजीत जी। हम तो शुरू से ही कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी में जब ये चुनाव हुए 14 फरवरी के बाद तब से लेकर अब तक देखिए बौखलाहट बौखलाहट है, ये लोग बौखलाए हुए हैं। अब इनके पास मुछ पाने के लिए चेहरा नहीं है तो केवल और केवल अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, ये कोई भारी पार्टी नहीं आरोप लगा रही, ये भारतीय जनता पार्टी के अपने ही जो विधायक प्रत्याशी रहे या अन्य इनके जो शीर्ष के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो ये सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी की जो चिंता है वो जग जाहिर है और जो इनकी गुटबाजी है वो लड़ाई है वो सतह पे आ रही है। मैंने पहले भी कहा था, पहले दिन में बात हुई थी कि 3 के विधायक प्रत्याशियों ने इस प्रकार से आरोप लगाए भीतरीघात का और आज वो 3 से 6 हुए, आज 7 हो गए, लगातार मैं ये कह रहा हूँ ये आंकड़ा बढ़ेगा। आप देखिएगा 10 मार्च के बाद इनकी पार्टी में फूट पैदा होगी और ये लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके ही अपने आप को डिफेंड करेंगे, क्योंकि ये अभी इन्होंने सुशील भाई ने बात कही कि सब चंगा सी, फिर कहने लगे कि भाई ये सार्वजनिक नहीं होना चाहिए, प्लेटफॉर्म पर नहीं आना चाहिए, मुख्यमंत्री साहब ने ये कह दिया, प्रदेश अध्यक्ष ने ये कह दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये कह दिया। तो ये तो कह दिया, उसके बावजूद भी क्या इनके पार्टी के नेता जो इनके शीर्ष के नेता इनको बता रहे हैं कह रहे हैं क्या उसका वही आचरण उनका है? नहीं है। इनको सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी बात कहनी पड़ रही है, चिट्ठी लिखी जाती है, चिट्ठी सार्वजनिक हो जा रही है। कांग्रेस ने चिट्ठी सार्वजनिक थोड़ी करी है, चिट्ठी सार्वजनिक करने वाले भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और उसको आरोप लगाने वाले भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। तो ये स्पष्ट है कि अब भारतीय जनता पार्टी 10 तारीख के बाद आपको नजर नहीं आएगी, केवल 5 साल एक दूसरे के साथ मिलकर मंथन करेंगे और कुछ नहीं होना उनके साथ। अमरजीत जी आपके घर में तो सब ठीक है ना? हम तो बिल्कुल कह रहे हैं सब चंगा सी साहब, कांग्रेस पार्टी में सब एकजुटता से, हमने कहा है जो शीर्ष हमारा तय करेगा हम वैसा करेंगे, कहीं कोई सिर फुटबॉल नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। दीपक पांडे जी आपने सुना कि सुशील त्यागी जी कह रहे हैं सब कुछ ऑल इज वेल, अमरजीत जी कह रहे हैं सब कुछ ऑल इज वेल, लगता है ऑल इज वेल है? दीपक जी
जी नमस्कार। मैं कह रहा था आपसे कि सुशील त्यागी जी कह रहे हैं कि ऑल इज वेल उनके घर में, अमरजीत जी कह रहे हैं ऑल इज वेल, लेकिन क्योंकि आप उसी विधानसभा क्षेत्र में भी रहते हैं जहां से अमरजीत जी के, ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री के चेहरे इन दिनों प्रस्तुत कर रहे हैं वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो किस तरीके से देखते हैं आप, सब कुछ ऑलवेज ऑल इज वेल लग रहा है दोनों ही पार्टियों के घरों में? सर दिल को बहलाने के लिए तो ऑल इज वेल ये लोग कहेंगे कहेंगे, क्योंकि अभी जब तक इनका इलेक्शन नहीं हुआ था तब तक इनको ऑल इज वेल कहना था, लेकिन जो फूट होती है, जो दरार होती है वो दिख ही जाती कहीं ना कहीं। और आपने देखा कि जो बयानों से झलक रहा है उनका दर्द झलक रहा है, बस ये है कि वो आंसू नहीं दिखा पा रहे अपने किसी वजह से। जो लोग परेशान है अंदर संगठन में वो अपने आंसू को किस तरह रोके हुए बैठे हैं, बस जवानी उनका जो दिल है वो तब भी कहीं ना कहीं जवान पे निकल आ रही है दिल की बात उनकी, कि कहीं ना कहीं सभी लोग परेशान है। अब अगर सारी चीज ऑल इज वेल होता तो संध्या डाला गोटी को 2 मिनट में मना लेते, वो एक महिला थी वो मान जाती हो तो। लेकिन क्या हरीश रावत जी के आने के बाद, इतना बड़ा गद्दावर चेहरा आने के बाद भी लाल कुआं से अगर वो एक महिला को नहीं मना पाए तो इनके वहां भी कहीं ना कहीं 11 से 12 विधानसभाओं में लोगों ने कहीं ना कहीं बागी होकर इलेक्शन लड़ा। और बीजेपी में भी आपने, मैंने देखा 16 से 18 लोग जो नाम में आए, जिन विधायकों का नाम कटे जो बताते थे। दीपक पांडे जी आपने अपने कितने लोगों को मनाया मुझे बताइए, चुनाव के दिनों में इतने लोग आपकी पार्टी छोड़कर चले गए, आम आदमी पार्टी छोड़कर चले गए, आपके उपाध्यक्ष चले गए और आपके प्रवक्ता चले गए तमाम। हाँ आप नहीं मुझे, आप मनाने की बात करते हो, हमारे एक डालाकोटी की बात करते हो, हमारी तो हमारे सुन लीजिए, हमारे जितने भी लोग नाराज थे कांग्रेस पार्टी ने सबको मनाने का प्रयास किया, सबने नाम अपने वापस लिए, पूरे प्रदेश में कांग्रेस ने एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा। रही बात आपकी अपनी, मुझे लगता है कि बेहतर होगा कांग्रेस पर आप सवाल उठाने से पहले अपनी पार्टी की ओर देखिए कि आपने कितना एकजुटता से चुनाव लड़ा। जो मेरे मित्र ने मेरे से सवाल पूछा लाल कुआं विधानसभा में हरीश रावत जी के बारे में, उसमें आप केवल लाल कुआं की बात क्यों करते हो, प्रदेश की बात हो रही है यहाँ पर, लाल कुआं की यहाँ बात हो रही थी स्वामी जितेंद्रानंद के सवाल सवाल से शुरू हो रहा है, आप पहुंच गए लाल कुआं, आप पहुंच गए लाल कुआं। सवाल कहाँ का पूछा गया आप मेरे से, पूछिए ना, इस सवाल तो ये पूछा गया क्या कांग्रेस कह रही है ऑल इज वेल, तो पूरे पार्टी की बात है कि नहीं है? बिल्कुल कांग्रेस ऑल इज वेल का पूछा गया जहां से हरीश रावत जी इलेक्शन लड़ रहे। सर हमारे वहाँ भी लोगों में नाराजगी हुई है और हर पार्टी यूकेटी जैसी पार्टी में भी करिए ना बात, ये बात कुछ समझ में आती है मुझे आपकी, आपने बात ये कह देना कि ना कांग्रेस में कुछ ठीक है ना भारतीय जनता पार्टी में ठीक है, केवल राजनीति विरोध की राजनीति नहीं, आप तथ्यों से बात करें ना, हमें अच्छा लगे। आपने बात मान्यवर, आपने बात पूरी नहीं होने दी, मैं जब वहां से शुरू हुई बात, मैं बीजेपी पे आ रहा था, वहां 16 जो बागी विधायक है वहां पे भी कहने टकरार है, दिलों में भेद है और हमारे वहां भी है। मैं जब बात करता हूँ संतुलन बना के बात करता हूँ, मैं भी हमें खुशी होगी आप संतुलन वाली बात करें। जी 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 अच्छा अच्छी बात है कि जवाब जी बिल्कुल कल गिन, जवाब मेरे ऊपर भी आना है, जो पत्थर आज उधर फेंके जा रहे हैं बीजेपी, आम आदमी पार्टी में पत्थर गिरने हैं, बिल्कुल वो पत्थर बिल्कुल, क्योंकि दायरा हमारा भी बढ़ रहा है, लोग हमारे वहां भी नाराज है, हमारे वहां भी कई लोगों ने नाराजगी करी है, ऐसा नहीं है। हमारे वहां भी जो नैनीताल के जिला अध्यक्ष उन्होंने छोड़ी पार्टी और भी कई लोगों ने छोड़ी, आपने बताया मेरे को वहां पे, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि आपकी पार्टी क्यों छोड़ी? आप लोग तो 70 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे, जीतने की बात कह रहे थे, आपकी पार्टी क्यों छोड़ी? नहीं हमारे वहां जिन लोगों ने छोड़ी कहने के उनकी एक महत्वाकांक्षाएं थी, मैं बात यही कर रहा हूँ, बीजेपी कांग्रेस में लोग 25 या 40 सालों से लोग जुड़े थे, उनको जब छोड़ना पड़ा, हमारे वहां तो 8-10 महीने पहले लोग आए थे जुड़े हुए थे, 2 साल से हम भी जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी में, लेकिन हम केजरीवाल जी के विचारों से जुड़े हैं, लेकिन कुछ लोग केवल इलेक्शन और वोट की वजह से जुड़े थे कि उनको इलेक्शन लड़ना है या वोट लेने हैं करके, एक आम आदमी पार्टी का लेबल मिल जाए करके, लेकिन इसलिए पार्टी ने उनको दरकिनार जब करा तो कहीं ना कहीं नाराजगी जाहिर होनी थी। मैं भी तो था, मैंने तो पूरे प्रदेश में दौड़ा भाई करी, आप मेरे सभी मित्र जानते हैं, लेकिन मैंने कभी ना बागी सुर दिखाए और ना हर समय इलेक्शन में। मेरा सवाल मैं आपको ना एक बार फिर बताता हूँ, मैंने कहा कि बीजेपी में भी जिस तरीके से भीतरघात की बातें निकल कर सामने आ रही हैं उसको लेकर आप लोगों का क्या कहना है? देखिए मैंने ये कहा जितना बड़ा परिवार है भीतरघात होना ही था, क्योंकि एक दौर होता है जब सब जुड़ते जा रहे थे मोदी जी के नाम पे, मोदी मैजिक फैक्ट्री जब चल रहा था, मोदी जी और पूरी भाजपा की टीम पूरे भारतवर्ष में ये एक इन्होंने एक माहौल तैयार करा था कि जनता सारी खुश है करके, चाहे इन्होंने बताया कि नोटबंदी बहुत अच्छी रही, इन्होंने बताया GST बहुत अच्छी रही, 15 लाख काले धन को घुमा फिरा के बता दिया किस तरह से आए करके, 2 करोड़ लोगों को रोजगार कैसे मिले सारे उन्होंने बता दिए, पकौड़ा तल के भी आप रोजगार ले सकते हैं, तो पैसे के मुकाबले जो डॉलर इतना बड़ा था इन्होंने उसको बढ़ा दिया, पैसों को मजबूत कर दिया, वहां पे आतंकवाद को उन्होंने खत्म कर दिया, गैस के पेट्रोल में 400 से लेके
जो गैस का दाम था उनने कहा कि बीजेपी का बटन दबाओ 1000 रुपए सिलेंडर पाओ, 65 रुपए का पेट्रोल, 70 रुपए का पेट्रोल, बीजेपी का बटन दबाओ 100 रुपए पाओ, ये तो उन्होंने सारी चीजें करी दी थी। तो अब जब वो बढ़ता ग्राफ दिखा तो आज इनके अंदर भीतरघात शुरू होने इसलिए लग गया क्योंकि इनको पता कि आज जनता नाराज है, जनता नाराज है, सबको पता कि आज हम हार रहे हैं, जब हार रहे हैं तो बौखलाहट सबकी बाहर निकल के आ रही है, सीधी बात यह है। सुशील जी का पुलिंदा ज्यादा दिन नहीं चल पाया। दीपक जी मैं ये सुशील जी से एक सवाल लेना है। सुशील जी आपने कहा कि पार्टी फॉर्म में अपनी बात रखें, मीडिया के समक्ष ना रखें, सोशल मीडिया के समक्ष ना रखें, अगर कोई नाराजगी है तो पार्टी के समक्ष रखें और अगर नहीं रखते हैं तो अनुशासनहीनता में आता है, कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैं सोच रहा था कि अभी तक क्योंकि 14 फरवरी को मतदान हुआ, मतदान के दिन ही देर शाम को आपके लक्सर से जो विधायक हैं उन्हें सोशल मीडिया के जरिए एक वीडियो बनाई जो कि सोशल मीडिया पे अपलोड हुई और सब लोगों के पास पहुंची, उनको लेकर अभी तक कोई नोटिस नहीं दिया गया। हरबसंत सिंह सीमा जी ने मीडिया के समक्ष बाइट दी, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। कैलाश यमुनोत्री से जो आपके प्रत्याशी थे उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जितने भी मैं नाम ले रहा हूं ये सभी वो लोग हैं जिन्होंने या तो मीडिया के सामने अपनी बात रखी या फिर सोशल मीडिया के सामने, लेकिन पार्टी फॉर्म में कोई लेटर नहीं गया अभी तक जैसे आप कह रहे हैं। तो ये माना जा सकता है कि उनको अनुशासनहीनता में दायरे में रखकर उन पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, इतने दिन हो गए, देरी क्यों? अगर ये घटनाएं न होती तो आज न्यूज वर्ल्ड पर सुभाष जी डिबेट न करते हुए दिखाई देते और मैं घटनाओं का इंतजार हो रहा मतलब। हाँ दीपक भाई जरा सुनने की कोशिश करिए, मेरा मतलब ये है कि जैसे ये घटनाएं घटी उसके बावजूद ऐसा तो नहीं है कि उनसे बातचीत नहीं होगी। पार्टी के प्लेटफॉर्म पे ही जो बात अनुशासन के दायरे में कहनी चाहिए थी वो नहीं कही गई, और नहीं कही गई तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, हमारे प्रदेश के महामंत्री संगठन जी ने और सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों ने सब लोगों से बातचीत की है कि भाई इतना बड़ा परिवार है, हम सभी सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ रहे थे, कहीं कोई घटनाएं रही होंगी तो आप लिखित में कहिए। दूसरी बात सुभाष जी, मैं आप एक चीज आपके चैनल पर बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, यहाँ सभी पार्टियों के, कांग्रेस के भी और आम आदमी पार्टी के भी मेरे भाई यहाँ बैठे हैं अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। 10 मार्च को जिस दिन नतीजे आएंगे, आज जो डिबेट आप भारतीय जनता पार्टी को लेकर कर रहे हैं, मैं तभी आपके चैनल पर आऊंगा। हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, इतने बड़े परिवार में ये सब चीजें रहेंगी, लेकिन उसके बावजूद भी हम सबको पार्टी का नेतृत्व तो सबको हिदायत यही देता है। जैसा आपने नोटिस की बात कही, ऐसा नहीं है सब चीजें होंगी, अगर मर्यादा कोई व्यक्ति लांघने की कोशिश करेगा वो कितना ही बड़ा कार्यकर्ता हो, नेता हो, सबको अनुशासन का पालन करना ही होगा। यही भारतीय जनता पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी ऐसे ही अनुशासन से चलती है। यहाँ कांग्रेस जैसा माहौल अगर होता, कांग्रेस के कार्यालय में आपने देखा सुभाष जी क्या हुआ था, प्रदेश महामंत्री की सरेआम पिटाई की गई थी, जूते जूते मार के उसको बाहर निकाला था कार्यालय से, आपको देखा होगा। सुशील भाई आप मुद्दे पे बात कीजिए ना, सवाल आपसे पूछा जा रहा है, आपके अनुशासन की बात हो रही है पार्टी के, आप महामंत्री की पिटाई की बात कर रहे हैं। पहले देखिए मजीद भाई क्या कहा था हरीश रावत जी ने, जी एक महामंत्री के साथ क्या हुआ वो अलग विषय है, यहाँ चुनाव में आपके विधायक प्रत्याशी ने क्या करा, आपके विधायक प्रत्याशी जो है खुलकर मीडिया के सामने आकर अपने बात रख रहे हैं, किस प्रकार की अनुशासन की बात कर रहे हैं, आप सुनने की हिम्मत रखिए। अभी तो नहीं तो आप अगर मुझे से परिवार आपका टूट रहा है, आप पे जिसके साथ के पार हैं, परिवार आपका टूट रहा है, साथ के पार निश्चित पार लेंगे, निश्चित साथ के पार लेंगे, जवान पे काबिज रहिएगा, कितनी सीटें आ रही है आपकी मान्यवर, आप अपनी जवान पे काबिज रहिएगा, आप बताइए कितनी सीटें आ रही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैंने इतने चैनल इतने डिबेट कभी हमने नहीं कहा भाई कितनी सीटें आ रही है, हमने जहाँ तीनों में बात करें तो बेहतर होगा, आप बताइए कितनी सीटें आ रही है, हम विषय से भटक रहे हैं,
जो मुद्दा था उस पर रहेंगे तो बेहतर रहेगा हमारे लिए। अभी हमारे साथ अवधेश नौटियाल जी जुड़ गए हैं, टीवी पत्रकार हैं और ग्राउंड जीरो पर रहते हैं हमेशा से। अवधेश जी, सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से लेटर बम बीजेपी के घर में सोशल मीडिया के जरिए बाहर आया है, क्या लगता है कि भीतरघात की जो बात कही जा रही थी ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा भी, वो कहीं ना कहीं 10 मार्च तक बढ़ती चली जाएगी? देखिए बिल्कुल सुभाष, देखिए जिस तरह की बातें लगातार, जैसी जो 14 तारीख को जब जो मतदान संपन्न हुआ और उसके बाद से लगातार जो बातें सामने आ रही हैं, इन बातों ने धीरे धीरे बढ़ना है, क्योंकि हमने तमाम सीटों का आंकलन देखा है, जिन विधायकों के आपने टिकट काटे हैं, बहुत सारी जो सीटें थी जिन सीटों पर जो मनमाफिक टिकट नहीं हुए हैं। तो इस बार जो पहला चुनाव मैंने देखा है कि हर बार मैं अक्सर देखा करता था कि कांग्रेस के अंदर इस तरह की बातें ज्यादा देखने को मिलती थी, क्योंकि कांग्रेस बिखरी हुई नजर आती थी और कांग्रेस के अंदर भीतरघात का होना या निर्दलीय जो प्रत्याशी है उनका लड़ना ज्यादा देखने को आता था। लेकिन इस बार ये उल्टा हुआ है, इस बार बीजेपी के साथ ज्यादा देखने को मिला कई सीटों पर, करीब जो कई सीटें अभी हमारे पास जो 5 से 6 के आंकड़े हमारे पास आ गए हैं कि जिन लोगों ने खुलकर अपनी बात रख दी है, लेकिन ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ेगा 10 मार्च के बाद जब चुनाव परिणाम सामने होगा, उसके बाद स्थितियां और विकट होंगी। तो देखिए ये वाकई इस बार जो भीतरघात की बात है, ये जो विधायक, कुछ विधायक तो इसलिए खुल के बोल पा रहे हैं कि जो अपने मतलब जिनका व्यक्तित्व या जिन्हें लंबा अनुभव चुनाव लड़ने का हो गया है, वो खुलकर अपनी बात बोल पा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी संकुचित हैं, उन्होंने पार्टी फोरम में अपनी बात रख रहे हैं, दबी जुबान में वो इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं। देहरादून की बहुत सारी सीटों पर जब हम देहरादून में घूमे तो देहरादून की 3 से 4 सीटें ऐसे हैं कि जहां पर जो चुनाव लड़ रहे थे भाजपा के प्रत्याशी, वो अंदर खाने कहीं ना कहीं अपने आप को उतना कॉन्फिडेंस महसूस नहीं कर रहे थे कि जिस तरह से उनको चुनाव में लगता था, लेकिन कहीं ना कहीं उनका आंकलन कुछ सीटों पर, अगर मैं रायपुर सीट की बात कर लूं तो रायपुर सीट के जो प्रत्याशी थे भाजपा के उमेश शर्मा काऊ, उनको खुद कई जगह पर इस तरह का सामना करना पड़ा। मैंने कई बार उनसे इस तरह के सवाल भी किए तो वो मुझे हंसकर टाल जाते थे और एक ही लाइन बोलते थे कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, इस कहकर के अपनी बात को टाल देते थे। मैंने कहा भी आपको फुल सपोर्ट मिल पा रहा है, आपने लगातार पूर्व में पदाधिकारी की शिकायत की थी, वर्तमान में चुनाव लड़ रहे हैं, उसका सपोर्ट मिल रहा नहीं मिल रहा, लेकिन हमेशा उन्होंने ये बात को हंसकर टाल दिया। अब यही बात अगर डोईवाला सीट पर लेकर आप ले, जो बगल की रायपुर से लगती हुई डोईवाला सीट है जिसका कि बीजेपी को लाभ मिलना चाहिए था, उस सीट की स्थिति आप बेहतर जान सकते हैं। वहां पर खुद बीजेपी से निर्दलीय लड़ रहे हैं, जो लोग टिकट की दौड़ में थे उन लोगों ने वहां से हट करके रायपुर सीट पर अपना फोकस कर दिया। आप धर्मपुर सीट को ले लें, धर्मपुर सीट में खुद भाजपा से बागी होकर वीर सिंह कुमार चुनाव मैदान में है, तमाम चीजें हैं। वहां के विधायक ने चुनाव से पूर्व भी बोल दिया था कि मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा टिकट, अपना टिकट अपने पास रख लो, तमाम तरह की बातें थी। तो कहीं ना कहीं चीजें इसी के नहीं है। कैंट सीट पर आ जाइए, कैंट सीट पर खुद सविता कपूर को टिकट दिया गया, लेकिन भाजपा का जो दूसरा खेमा था दिखा साथ होगा, फोटो सेशन भी साथ में खूब हुआ होगा, लेकिन जिस तरह के संभावनाएं भाजपा को 60 पार के नारे के लिए चाहिए थी, वो समर्थन नहीं दिखा गया। आप किसी भी एक सीट का आंकलन उठा के दीजिए, देख लीजिए, हर सीट पर पार्टी अंदर जूझती हुई नजर आई है, बशर्ते इस बार कांग्रेस को इसका लाभ जरूर मिला है कि जो कांग्रेस ने जो भाजपा पैटर्न पर उत्तराखंड में चुनाव लड़ा, हमेशा जो पैटर्न होता था भाजपा का पैटर्न बिल्कुल संतुलित होता था, बूथ लेवल से लेकर और ऊपर लेवल तक उनका चुनाव, उनका वार रूम, तमाम चीजें, लेकिन मैंने पहली बार कांग्रेस को भाजपा की तरह चुनाव लड़ते हुए देखा। कांग्रेस का ही वार रूम था, भाजपा से बेहतर वार रूम था, कांग्रेस के बूथ लेवल पर हल्की सी कमजोरियां हो सकती हैं वो मैं मानता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस ने मीडिया मैनेजमेंट से लेकर अपने पंचलाइन पर विशेष ध्यान दिया, हर चीज को मतलब जो नेताओं को जिम्मेदारी बखूबी सौंपी, आपका जो मीडिया के सामने जो बातें रखनी है, तमाम चाहे राष्ट्रीय नेता हो या प्रदेश के नेता हो, तमाम चीजों को रखा। तो ये चुनाव बिल्कुल नेक टू नेक फाइट वाला है, लेकिन भाजपा के अंदर ये भीतरघात की बातें अभी तो केवल 6 साथी आई हैं, लेकिन 10 मार्च वाले ये बवंडर आएगा और देखिएगा वो दिन दूर नहीं है कि जब बड़े पदाधिकारियों पर इस भीतरघात की गाज गिरेगी। बड़े पदाधिकारियों पर भीतरघात की गाज गिरेगी, बिल्कुल सही बात। लेकिन सुशील त्यागी जी तो कह रहे हैं कि हमारे घर में सब कुछ ऑल इज वेल है और हम पार्टी प्लेटफॉर्म पर बात रखेंगे,
सोशल मीडिया के सामने या मीडिया के सामने जो बात रखते हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैं ये चीज़ समझ पा रहा हूँ कि 14 फरवरी से लेकर अभी तक किस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। देखिए कार्रवाई कैसे करती है, देखिए सुभाष जी कार्रवाई कैसे कर देंगे, अभी तो इन लोगों ने संभावना जताई है, अगर अभी से कार्रवाई कर देंगे, कार्रवाई का डर दिखा देंगे तो अभी तो बहुमत के लिए 36 का आंकड़ा भी चाहिए ना, तो अगर अभी से कार्रवाई का डर दिखाएंगे तो वो 36 का आंकड़ा कैसे होगा। तो कहीं ना कहीं कार्रवाइयां होंगी, बिल्कुल होंगी, जवाब तलब भी होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन ये जवाब तलब जो है 11 मार्च जब 10 को रिजल्ट आ जाएगा, 11 को बैठ के मंथन होगा, और ये 12, 13, 14 के बाद से जो ये 14 को मतदान हुआ तो ये 14 मार्च के बाद जो जवाब तलब की कार्रवाई होगी जिन जिन लोगों ने किया है और जिस जिस सीट पर भीतरघात की संभावना है सभी से जवाब तलब होंगे। लेकिन वर्तमान में किसी को छेड़ा नहीं जाएगा क्योंकि आप खुद रात दिन फील्ड में घूम रहे हैं, हम खुद नजर देख रहे हैं कि हर उस प्रत्याशी पर चाहे वो भाजपा हो कांग्रेस हो जिस प्रत्याशी की जीतने की संभावनाएं 50% भी है, आप 60, 70, 80, 90, 100 छोड़ दीजिए, जिसकी 50% संभावनाएं भी है, जो पिछली बार दूसरे पे था या तीसरे पे था उससे भी संपर्क साध लिया गया है, सूत्रों के जो हमारे सूत्र राजनीतिक सूत्र है भाजपा ने भी संपर्क साधा है, कांग्रेस ने भी संपर्क साधा है तमाम, तो अभी भीतर घात पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, कार्रवाई अगर होगी भी तो ये 14 या 15 मार्च में शुरू होगी। यानी कि ये माना जा सकता है कि 10 मार्च का इंतजार किया जा रहा है कि आखिरकार रिजल्ट कैसा रहता है, पक्ष में रहता है तो कार्रवाई हल्की रहेगी और पक्ष में नहीं रहता है तो कार्रवाई बेहतर तरीके से की जाएगी। अमरजीत जी आपके घर में आप कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, नहीं मैं नहीं कह रहा साहब, मैं तो सुशील त्यागी जी कह रहे हैं कि आपके घर में भी बगावत हुई है, हालांकि शुरुआत में ही ऐसा हुआ है, लेकिन अवधेश नौटियाल जी ने जिस तरीके से बताया कि इस बार कांग्रेस चुनाव लड़ा बेहतर तरीके से लड़ा, केवल संगठन की जो कमी थी थोड़ी उसको आप लोग पूरा नहीं कर पाए। सुभाष जी मैं तो आपके माध्यम से अवधेश नौटियाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस बात को माना कि कांग्रेस ने एकजुटता के साथ और बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा, और इस बात से जब जब मीडिया इस बात को कह रहा है, आम जन इस बात को कह रहा है, कार्यकर्ता इस बात को कह रहा है, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई कांग्रेस पर लगाने के लिए आरोप नहीं है, तो इसका मतलब है कि आने वाली 10 मार्च को कांग्रेस की सरकार निश्चित रूप से बन रही है और भारतीय जनता पार्टी जाती हुई दिख रही है। जो अपने आप को शुचिता की बात करते थे और ये अपने आप को अनुशासन की बात करते थे, इनका अनुशासन जग जाहिर हो चुका है। अब मैं आपको फिर कह रहा हूं कि आप देखिए कांग्रेस की सरकार बन रही है, भारतीय जनता पार्टी जा रही है, और अभी सुशील भाई लोकतंत्र की बात कर रहे थे, आंतरिक लोकतंत्र नहीं, भारतीय जनता पार्टी में डिक्टेटरशिप है, जो ऊपर से आदेश आते हैं केवल उसका पालन होता है। ये तो मैं हैरान हूँ किस प्रकार से इनके 6-6, 7-7 जो विधायक प्रत्याशी निकल के आवाज निकाल रहे हैं, वरना तो इनके यहाँ तो आवाज निकालने की भी इनकी ताकत नहीं है। ये तो ये सिर्फ फुटबॉल जो होने वाला है, जो भूचाल आने वाला है 10 मार्च को, ये उसके जो शुरुआती झटके हैं ये आपको दिख रहे हैं, और ये 6 से ये आंकड़ा 15 पे जाएगा, 20 पे जाएगा, आप देखिएगा कितना भारतीय जनता पार्टी में आपसी चीचा लेदर होगी, ये 10 मार्च को स्पष्ट हो जाएगा। समय बहुत कम है सुशील त्यागी जी, मेरा आपसे एक प्रश्न, 10 तारीख को आप कह रहे हैं कि रिजल्ट हमारे पक्ष में होगा, रिजल्ट पक्ष में ना हुआ तो जो जिस तरीके से बयानबाजी आ रही है भीतरघात की, तो ये समझा जाए कि भीतरघात हुआ था बीजेपी के अंदर, इस वजह से शायद रिजल्ट में जो 60 पार का नारा था या फिर सरकार बनाने की जो तमन्ना थी वो यदि पूरी नहीं होती है तो देखिए मैं भरोसे और यकीन के साथ आपके चैनल पर कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड राज्य में दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, कहीं नोट कर लेना जो मैं कह रहा हूं। यहाँ जितने भी राजनीतिक दल के अभी अपने प्रवक्ता गण बैठे हैं वह भी नोट कर लें, अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए स्वतंत्र है अमरजीत जी भी, दीपक जी की तो छोड़ दीजिए वो तो अपनी टीआरपी के लिए आए थे, लेकिन मैं सुशील जी चुनाव भरोसे से नहीं, आंकड़ों से जीता जाता है और आंकड़े आपके पक्ष में नहीं आएंगे। आपको चिंता दे रहे हैं, टीआरपी की बात कर रहे हैं, जी को बताइए अमरजीत जी जो चिंता कर रहे हैं ना, हमारी टीआरपी नहीं, मैं ये कह रहा हूं भरोसे से नहीं, आंकड़ों से चुनाव जीता जाता है। देखो आपकी आंख घट रही है, हमारी तो बढ़ रही लोकप्रियता, और हमारी लोकप्रियता बढ़ रही है, आप अपनी घटती को संभालिए। दूसरी बार घर बैठूंगा या सीएम बनूंगा, निश्चित रूप से उन्होंने पहले ही कह दिया मैं घर बैठूंगा, अगर जरा भी दिक्कत करी तो प्रीतम सिंह, रणजीत रावत जिन्होंने घर बैठे घर में आग लगी है,
और वहां गए। आप अपनी चिंता कीजिए, अपना घर बचाइए, हम लोग तो घर में बैठे बैठे। सुशील भाई आप चिंता मत करिए, 10 मार्च को मिलेंगे अमरजीत भाई। हाँ हाँ मिलेंगे, हम भी कर रहे हैं, जनता हमें पसंद करेगी। अमरजीत जी अब यदि आपको बहुमत मिल जाता है 10 मार्च को, तो वो मान लेंगे भीतर घात हुआ था, और नहीं मिलता तो वो कहेंगे कि नहीं हुआ था, आपने देखा हमारे पक्ष में था। लेकिन अमरजीत जी आप लोगों को यदि बहुमत मिलता है तो ये हमें माना तो जाए कि आपके पार्टी से सीएम हरीश रावत होंगे? निश्चित रूप से, ये तो मैं आपको अभी कहना ठीक नहीं है, ये हमने तय नहीं करना, ये विधायक मंडल दल तय करेगा कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा। अपनी इच्छा जाहिर कर देना, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रावत जी करें, प्रीतम सिंह करें, कोई और भी नेता करें, इसमें कौन सी ऐसी बात है। लेकिन बार बार इस बात को हम कह चुके हैं, ये कोई चर्चा का विषय नहीं रह गया है। जो विधायक मंडल दल तय करेगा, जो शीर्ष नेतृत्व हमारा तय करेगा, वो तय कर देगा मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हरीश रावत जी ने भी कह दी ये बात, प्रीतम सिंह जी ने भी कह दी। इस पर अब कोई ज्यादा टिप्पणी करना या चर्चा करना मेरे को तो कोई इसमें औचित्य लगता नहीं है। हाँ निश्चित रूप से मैंने पहले भी कह दिया है, इनको विश्वास है, हमें आंकड़ों पर विश्वास है, आंकड़े हमारे पक्ष में है, वो सर्वे ने भी कह दिया है, मीडिया ने भी कह दिया है, और तमाम जो लोग हैं ये मान के चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो बौखलाहट है वो हार की बौखलाहट है, वो भीतरघात जो हो रहा है ये इसीलिए हो रहा है। अगर मुझे बताइए सरकार इनकी बन रही होती तो भीतरघात के सवाल ही कहीं से नहीं आता। फिर तो कांग्रेस करती इस बात को लेकर के, कांग्रेस इस बात को नहीं कर रही और भारतीय जनता पार्टी भीतरघात की बात कर रही है, तो स्पष्ट है कि बौखलाहट किसमें है, हार कौन रहा है, सरकार किसकी बन रही है, ये आज का दिन नोट कर लीजिए। जैसा इन्होंने कहा 10 तारीख को फिर मिलेंगे, 10 तारीख को फिर मिलेंगे और सुशील भाई हमें बधाई दे रहे होंगे। ठीक पांडे जी, अब आपसे सवाल मेरा, बीजेपी ने कहा हम सरकार बना रहे हैं, कांग्रेस कह रही हम सरकार बना रहे हैं, मेरा आपसे सवाल आप लोगों की सीटें कितनी आ रही है? सर देखिए, हमने पहले भी हमने किसी सीट को लेकर आंकड़ा नहीं लिया था, हमने कहा हमारी चाहे 0 है चाहे इनकी तरह 60 पा रहे हैं। तो हमारे कहने का मतलब है हम जहाँ 0 से हम बहुत ऊपर हैं, पहली बात तो ये अपने अपने आंकड़े तय करें। और दूसरी बात बताऊं, सरकार जो अभी हमने भी जो जमीनी स्तर पे हम देख रहे हैं कि बीजेपी को पूरा बहुमत नहीं मिला है और कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कहीं बाद में कहीं बहुमत पूरा ना मिल पाए, क्योंकि जितने जो बागी हुए हैं जितने भी हैं कहीं ना कहीं वो मोर्चा संभाले बैठे हैं, और आम आदमी पार्टी के पास जो सीटें होंगी वो अलग है। मुझे तो लग रहा है बीजेपी वाले से मैं उस दिन पूछ रहा हूँ जिस दिन इनको 36 पार्ट चाहिए होंगे कितनी सीटें खरीद रहे होंगे, जितने इनको बागी कितने को अंदर ले रहे होंगे। राजकुमार ठुकरा रुद्रपुर से जो है कल के दिन जीत जाएगा मान लीजिए, अगर मैं तो तभी उतनी उस दिन अनुशासन अपना भूल चुके होंगे, उस दिन ये कह रहे होंगे भैया तुम हमारे इसमें आ जाओ, मंत्री पद भी हम तुम्हें देने वाले हैं। उस दिन इनका अनुशासन सारा खत्म इसलिए है क्योंकि हमने भी 2016 में पहले देखा किस तरह चलती हुई कांग्रेस सरकार को इन्होंने गिराया है। तब उस समय अनुशासन नहीं जानते थे क्या, ये समय इन्होंने कोविड के टाइम पे इन्होंने महाराष्ट्र की सरकार गिरा दी मध्य प्रदेश की, तब इनका अनुशासन नहीं था। जो अनुशासन की बड़ी बड़ी बातें करते वक्त आने पे ये उसी में कहीं ना कहीं आप देखना धराशायी हुए गिरते हुए दिखाई देंगे, आपको ताश के पत्ते की तरह गिरते हुए दिखाई देंगे आप ये भी। और वैसे भी क्या है हमारे उत्तराखंड का, हमारा उत्तराखंड का एक सभी राजनीतिक दल ये मान रहे हैं कि वो जीत रहे हैं, हालांकि सभी कहते हैं 10 मार्च से पहले यही कहेंगे और 10 मार्च के बाद जब रिजल्ट आएगा उसके बाद उनके बयानों में बदलाव आएगा, लेकिन भीतरघात और जिस तरीके से ये कहा जा सकता है कि खुले मन से लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं, बड़े नेता वह कहते हुए नजर आ रहे हैं, तो लगता है कि बीजेपी की सरकार बन पाएगी, आसान है रहा उनके लिए? देखिए सुभाष जी, यहाँ बात बीजेपी की सरकार बनेगी या कांग्रेस की सरकार बनेगी ये तो 10 मार्च को जब मतदान जो मतगणना जब शुरू होगी तब मालूम पड़ेगा, लेकिन जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, छोटा राज्य है और छोटे राज्य में हर दूसरा व्यक्ति बहुत जल्द से जल्द विधायक बनना चाहता है। जो पहले एक धैर्य होता था कि किसी विधायक को 5 साल या 10 साल का मौका दिया जाता काम करने के लिए, वो चीजें अब यहाँ दिखाई नहीं देती है, हर कोई बेहद जल्दी में है, किसी भी ये इनके इन प्रकरण साम दाम दंड भेद करके हर किसी को टिकट चाहिए, जल्द से जल्द टिकट चाहिए, और उसका एक ही सपना कि मैं विधायक बनकर जो हूँ विधानसभा में पहुंचू, जिसके जो जिसके पास जो आर्थिक रूप से सक्षम है वो जो है निर्दलीय चुनाव लड़ जाता है, जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है वो किसी न किसी बहाने इस उसमें रहता है कि जो जो वर्तमान प्रत्याशी लड़ रहा है किसी भी पार्टी का हो, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं कि किस तरह से वो हारे, तो वो उसकी जुगत में लग जाता है। तो हर किसी को विधायक बनना है, ये जो विधायक बनने का सपना जो हर किसी हर कोई दूसरे नेता देख रहा है ये भीतरघात वहीं से जन्म लेता है, क्योंकि हर किसी को विधायक बनना, अब कोई नहीं चाहता कि हरवंश कपूर की तरह 40 साल तक हमारा एक ही विधायक हो, अब हर व्यक्ति का सपना है कि एक बार ये बन गया अगली बार मेरा नंबर आ जाए, उससे अगली बार दूसरे का आ जाए, फिर उससे अगली बार तीसरे का आ जाए, तो कहीं ना कहीं भीतरघात तो अभी बीजेपी खुलकर बोल रही है, लेकिन
जो ये बहुत नजदीकी अंतर जो सुभाष जी हम लगातार बोल रहे हैं कि जो बीजेपी हो या कांग्रेस हो कोई भी अभी तक जो स्थितियां नहीं बन पाई हैं कि पूर्ण बहुमत नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं दोनों ही दल इस भीतरघात से जूझे हैं। कुछ लोग खुलकर बोल रहे हैं, कुछ खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में जो पूर्ण बहुमत की स्थिति नहीं बन पा रही है उसके पीछे बड़ी वजह भीतरघात है। ठीक है, भीतरघात एक बड़ी वजह है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इस डिबेट में जुड़ने के लिए। तो ये महत्वपूर्ण है कि 10 मार्च को रिजल्ट किसके पक्ष में होते हैं। यदि पक्ष बीजेपी की तरफ गया तो भीतरघात के बाद जो कार्रवाई होनी है संगठन की तरफ से वो ज़रूर की जाएगी, लेकिन वो शायद हल्के स्तर पर की जाए। और यदि पक्ष यानी कि 10 मार्च को जो रिजल्ट हैं वो कांग्रेस के रुख में होते हैं तो कहीं ना कहीं बगावत फिर से बीजेपी में शुरू हो जाएगी। और ये कहा जा सकता है कि 10 मार्च तक इंतज़ार करना होगा कि 10 मार्च तक और कितने नए चेहरे बीजेपी के बगावत की बात कहते हुए मीडिया के समक्ष आते हैं और कितने वो लोग हैं जो कैमरे के अलावा पीछे से कहते हुए नज़र आते हैं कि भीतरघात तो हुआ है और खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। बहरहाल इंतज़ार रहेगा 10 मार्च को, जिस दिन पानी का पानी यानी कि दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि आखिरकार बहुमत किसको मिलता है और किसको विपक्ष में बैठना पड़ता है। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।